हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रीति खोयाल और आप जैसा वीडियो में देख रहे हैं कि मैं भाग रही हूँ। मैं बहुत तेज़ भाग रही हूँ क्योंकि आज यानू का स्केटिंग कंपटीशन था और उसका टाइमिंग था, मतलब 7 बजे मुझे यहाँ पहुँचना था और मैं यहाँ पहुँची हूँ 8 बजे, क्योंकि मैं उठी ही 7:30 बजे थी। एक्चुअली मैं रात को लेट सोई थी क्योंकि यानू की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे को 3:30 बज गए थे सोते सोते। और जो मेरी फ्रेंड थी जिसको मेरे घर आना था, हम दोनों को साथ में स्केटिंग जाना था मॉर्निंग में, वो 6:30 बजे से मेरे घर के बाहर खड़ी होकर बैल बजा रही थी, मुझे कॉल कर रही थी, लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। तो 6:30 से 7:30 बजे तक मेरे घर के बाहर खड़ी रही, बैल बजाती रही, फ़ोन करती रही, पता नहीं और कितनी गालियाँ मुझे देती रही। मेरा बहुत वेट किया उसने, लेकिन मैं शेर की नींद सो रही थी तो मैं उठी ही नहीं। फिर उसके बाद उसको कहीं से मेरे हस्बैंड के नंबर मिले, फिर हस्बैंड ने मुझे 7:30 बजे के आसपास मेरे जो दूसरे नंबर है उस पर कॉल किया, तब मैंने कॉल अटेंड किया, पता चला गॉड 7:30 बज रहे हैं। और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी फ्रेंड 1 घंटे से बाहर वेट कर रही है तेरा। ऐसी जैसी सो रही थी उसी कंडीशन में बाहर भागी, गेट खोला तो वो बाहर खड़ी थी। उसको देख के ऐसे लगा कि या तो वो ही रहेगी या मैं रहूँगी। लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हुआ, घंटे 2 घंटे बाद सब कुछ ठीक हुआ। कार फुल स्पीड से जितना चला सकती थी उतनी स्पीड से हम गए, वहाँ पहुँचे मुरलीपुरा जयपुर, जो कि मेरे घर से अप्रोक्स 30-40 मिनट का रास्ता है। हम उस टाइम 18 to 20 मिनट में हम पहुंच गए थे, क्योंकि यानू अगर लेट हो जाती, कॉम्पिटिशन मिस हो जाता, तो फिर वहाँ जाने को कोई मतलब ही नहीं था। और मुझसे ज़्यादा ज़रूरी था उनके बेटे को वहाँ पहुँचाना। उन्होंने 1 घंटे तक मेरा वेट किया था और वो शायद ही इतना वेट उन्हें लाइफ में कभी किसी का किया होगा। बहुत बहुत परेशान हुई वो, सच में। वो तो खड़ी तो थी जो थी, उसके साथ उसका बेटा और उसका हस्बैंड भी। आई एम सॉरी ज्योति भाभी, जो भी मैंने आपके साथ किया, लेकिन सॉरी, मेरी कोई खास गलती नहीं थी, मैं कुछ ज़्यादा ही नींद गहरी नींद में चली गई थी, सॉरी, नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस ऐसा नहीं होगा। तो ये तो था जो सुबह का हमारा हुआ था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानू का स्केटिंग कंपटीशन है मुरलीपुरा जयपुर में। यानू की रेस है आज 300 मीटर और 500 मीटर। अभी इस पार्ट में 300 मीटर कवर करेंगे, सेकंड वाले पार्ट में 500 मीटर रेस मैं दिखाऊंगी आपको। आप देख सकती मेरी कंडीशन, मैं अभी भी नींदों में ही हूँ, मतलब नींदों में नहीं हूँ, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कपड़े पहने, मुँह धोया, ब्रश किया बस और उठ के आ गए। मेरी आँखें भी अभी पूरी नहीं खुल रही है, पता नहीं कैसे मैंने कार चलाई है, वो मेरी आत्मा जानती है। लेकिन हम सही सलामत यहाँ पहुँच गए विद मेरी बच्चा पार्टी। तो चलिए देखिए हमारी वीडियो, थैंक यू। ये शिवा स्पोर्ट्स क्लब है जहाँ पे ये आज का स्केटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था। बहुत अच्छी जगह है, बहुत स्पेशियस जगह है, काफ़ी सारे गेम्स हैं यहाँ पे, अच्छा था ये भी। हमको बच्चों की रेस नहीं दिख रही थी क्योंकि सभी पेरेंट्स ने उस ग्राउंड को अच्छे से कवर कर लिया था, पूरी जाली के वहाँ पे पेरेंट्स ही पेरेंट्स खड़े थे। तो मैं जाके जो चीफ गेस्ट के लिए जो स्टेज बनाया गया था उस पर चढ़ गई और वहाँ से यानू को चीयर करने लग गई थी। तो मैं पूरे टाइम वहीं पे चढ़ी रही और कोई पेरेंट्स नहीं आया, लेकिन हम वो करते हैं जो कोई नहीं करता है, हम है ही अलग ही दुनिया के प्राणी। मेरी इस वीडियो को जितने भी जने देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि अभी रात को 2:15 बज रहे हैं, अभी मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो यार, इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बन ही सकता है ना, आपका क्या जा रहा है, प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा।
न्यू यूट्यूबर को इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो यार। अधर्व पारिक, ये हमारा वीडियो मेरी वही भाभी बना रही है जो सुबह मेरे घर के बाहर खड़ी थी। थैंक यू भाभी, एंड अगेन आई एम सॉरी, रियली दिल से सॉरी सॉरी। ये जो आपको पिंक स्लिम में दिख रही है, यही यानू है। तो यानू की 300 मीटर वाली रेस स्टार्ट हो रही है। यानू गॉट सेकंड पोजीशन, बट ये हिट था फाइनल। अब होगा फाइनल में थोड़ा, चलिए देखते हैं। यानू की रेस में गब्बू के मजे आ गए। इसने बहुत कुछ खाया, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, सब कुछ, और कम से कम 3 से 4 इसने माजा पी ली होगी। ये बड़ा एंजॉय कर रहा है। ये वाली वीडियो ज्योति भाभी जो मेरे साथ आई थी सुबह, उनके बेटे की है राम, ये ब्लू टी शर्ट में जो कर रहा है सेकंड नंबर पे, ये उनका लड़का है। ये बहुत अच्छी स्केटिंग करता है। ये क्वार्ट्स पे कर रहा है, जो फोर व्हील्स वाले शूज़ होते हैं। यानू थ्री सिंगल लाइन में जो थ्री व्हील्स होते हैं उस पर करती है, इन लाइन्स पे, और राम क्वार्ट्स पे करता है। वैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग होती है, तो इन दोनों की अलग अलग ही हो रही है। राम बहुत अच्छा करता है। यानू और मेरी यानू के तो क्या ही कहना है, वो तो आउटस्टैंडिंग है वैसे भी। और ये वाली वीडियो मेरी एक और फ्रेंड की है जो स्केटिंग में आती है मेरे साथ। ये जो येलो कलर के टॉप में पिंक हेलमेट में जो लड़की भाग रही है, ये री, वो धुआ है, उनकी बेटी है वो, तो ये उसकी वीडियो है। ये भी अच्छा करती है स्केटिंग। पर भाभी और मैं फ्री थे, बोर हो रहे थे, क्योंकि यानू और राम की स्केटिंग हो गई थी। तो हमने सोचा कि यहाँ जो कुछ पेरेंट्स बैठे हैं उन लोगों का माथा खाते हैं, तो हम वो खाने चले गए उन लोगों का। देखिए आपके बच्चे की हो गई स्केट्स, स्केट्स हो गई। हाँ, क्या विन हुआ इनका? पहला पहला ही था, तो सिर्फ 4 बच्चे थे इसके, तो इसके साथ इंक्लूडिंग हिम। हाँ, तो वही फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका क्या रैंक रहा? इसका थर्ड था। कोई बात नहीं यार, ब्रॉन्ज तो मिलेगा। आपके? अच्छा, एक साथ है भाई। ये सैड क्यों है, सो रहा है ये तो सो गया। आपकी हो गई स्केटिंग? हेलो, आपकी हो गई स्केटिंग? क्यों सो रहा है? तो बस अब यानू की फाइनल रेस स्टार्ट होने वाली है। मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, और इधर हमारा छोटा जनाब गब्बू बोलता है। यानू की रेस, फाइनल रेस स्टार्ट हो चुकी है, प्लीज मेरी यानू को चीयर करना। Yano fast! Yano fast!
यानू गॉट थर्ड पोजीशन इन 300 मीटर रेस। ये सामने से व्हाइट टी शर्ट में हमारे स्केटिंग के सर आ रहे थे, उन्होंने जैसे ही मुझे देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ मुड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें पता है मैं यूट्यूब पे डालूंगी, इसलिए वो पहले ही उधर चले गए। तो आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नाम अनाउंसमेंट हो रहे हैं। यहाँ पर आज फ्री स्टाइल स्केटिंग भी हुई थी, जिसमें आप स्केट्स के साथ जो चाहे जो कर सकते हो, कोई सा भी मूव कर सकते हो डांस के साथ, कैसे भी। आज के स्केटिंग कॉम्पिटिशन के जो चीफ गेस्ट थे वो आ चुके हैं, सब उनका वेलकम कर रहे हैं। तो देखिए अब यानू को मेडल मिलता है। हम जब स्केटिंग वहाँ से कॉम्पिटिशन से निकल के जब घर को रवाना हो रहे थे तो कार देखी, तो कार का तो टायर पंचर पड़ा है बिल्कुल फुश। तो थोड़ी बहुत कार चला चलो के जो पास में जो शॉप थी वहाँ पे आके फिर पंचर निकलवाया, बहुत परेशान हुए थे। हम थके आ रहे घर जाके खाना तो बनाने से रहे, तो फिर हम भाभी के पास में जो रेस्टोरेंट था वहीं आ गए और वहीं हमने खाना खाया। बहुत भूख लगी है। थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। Thank you.